अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा आज प्लान था वीडियो बनाने का अपने यार, मैं बंदे का कामी, एक कोई कामी भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि साले जैसा प्लेयर एशिया में कोई नहीं है, और आप झूठ ना बोलो कि आपने साले की कोचिंग की है। तो कामी भाई, ये सर्टिफिकेट है और आपको वैसे भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं आपको इसे बता देता हूँ, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर बिलाल जी सब मुगल हाउस रेजिडेंस ऑफ हाउस नंबर 5 मुराद कुंडली सरगोधा, मेरे घर का एड्रेस है। और उसके बाद लिखा है, इज द ऑफिशियल स्नूकर कोच ऑफ द पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन सिंस द लास्ट 2 ईयर्स। ये उन्होंने झूठ लिखा था कि लास्ट 2 ईयर्स से कोच है, मैं उसी का साल कोच बना था। जो है मैं वही बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कामी भाई, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर अपने बाप के बेटे हो तो मुझे साले का कोई सर्टिफिकेट दिखाओ। खाली कमेंट भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हें कहा कि अगर अपने बाप के बेटे हो तो मुझे उसका सर्टिफिकेट दिखाओ कोचिंग का। ही इज द हॉनेस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन एंड कैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज विद डेडिकेशन टू हिज स्टूडेंट आवर प्रेजेंट नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप चैंपियन मिस्टर मिस्टर मोहम्मद सज्जाद इज वन ऑफ हिज स्टूडेंट, के इसने अपनी काबिलियत दिखाई है अपने बेस्ट स्टूडेंट मोहम्मद सज्जाद से, जो कि हमारा नेशनल चैंपियन है इस वक्त। 2008 का सर्टिफिकेट है ये। मिस्टर बिलाल इज ऑल्सो अकम्पॉइंटेड इन, यार इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, इन पाकिस्तान स्नूकर टीम टू दुबई एज ऑफिशियल कोच इन द एशियन चैंपियनशिप वेयर हिज स्टूडेंट साले मोहम्मद क्रिएटेड द हिस्ट्री बाई रिकॉर्डिंग ए मैक्सिमम ऑफ 147 इन ए अचीवमेंट विच गोज टू हिज क्रेडिट। यानी साले मोहम्मद ने जो 147 की थी 2008 में, वो भी हमारी फेडरेशन कहती है कि वो बिलाल मोल के क्रेडिट में जाते हैं। और बाकी आपको मिल जाएगा, नीचे पढ़ लेना यार, कमी तेरी इज्जत बन गई है। मैंने साका भाट को आज फोन किया स्पेशल, क्योंकि मैं तेरे कमेंट का सेका ले गया था। तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं सेका कितना लेता हूं। मैंने साका भाट को फोन किया, मैंने कहा यार भाट, किसी बंदे ने कमेंट किया, मुझे गुस्सा आ गया। और गोबाट का जवाब सुना, बिलाल भाई उसका घर पता कर, तो घर पता कर लो, चले जाते हैं। और मैं क्या भाट, तू केड़ी जंगे च लैके जा रहे, मैं बुढ़ा हो गया, मैं लड़ लुड़ नहीं सकता। साका पाट मुझे कहते हैं, अच्छा फिर आप मुझ पे छोड़ते, मैं उसका पता करता हूँ कि कौन है। फिर मैंने कहा नहीं यार बाट, उसने कमेंट कर दिया, मैं खुद ही से जवाब दे दूंगा वीडियो में। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने गलत किया है, और मैंने तुम्हें कहा कि तुम अगर अपने बाप के बेटे हो तो मुझे साले मोहम्मद का कोई कोचिंग का सर्टिफिकेट दिखाओ। और तुमने कहा कि वो एशिया में सबसे बेस्ट कोच है, और खोते देखो मैं बड़ी तमीज से हूँ, मैं गधे का बच्चा भी कह सकता था, फिर भी लिहाज करता तेरा। खोते देखो सारे एशिया का बेस्ट को प्लेयर कैसे हो गया, मुझे ये बता। वो कभी एशिया कप जीता है? अगर एशिया कप जीता है तो कौन से साल में जीता है, मुझे ये बता दो। उल्लू के पट्टे, हमारा एशिया का बेहतरीन प्लेयर तू हमजा अकबर को कह जो एशियन कप जीता था, या मोहम्मद आसिफ को कह जो 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन है। तो मुझे समझ भी आया कि तू एशिया के किसी अच्छे प्लेयर की बात कर रहा है। तू साले साल लग गया, मैं यार फिर बदतमीजी पे आ जाऊंगा कामी। साले तेरा लगता है क्या, पहले मुझे तू ये बता। और तेरा मामे का पुत्र है तू, साले साले खा पाई है, अफगानी है, अफगानी से तेरा लेना देना क्या है, मुझे ये बता दे। एक अफगानी से तेरा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है साले। साले भाई यार, अगर आप ये वीडियो देख लो तो अभी से माजरत, आप मेरे बहुत अच्छे, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा मेरे तंग कर रहा है आपका नाम लेके, तो मैं उसको सुना रहा हूँ ये बात। तो बाकी साले भी मेरे साथ कभी नाराज नहीं हो सकता, वो मेरा स्टूडेंट है, सर्टिफिकेट मैं दिखा देता हूँ, पढ़ के भी सुना दिया। और स्टूडेंट के अलावा मेरी और साले की दोस्ती बहुत अच्छी है। दोस्ती की वजह, मैं एक काबिल आदमी हूँ, साले को पता चल गया था कि मैं काबिल आदमी हूँ। पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें कोचिंग का पहला दिन बता दिया था, उसे उसी दिन पता चल गया था कि मैं बहुत काबिल आदमी हूँ। तो कामी भाई, ये तुमने गलत पंगा लिया है, और कसम से कह रहा हूं, तुम कभी मुझे मिलने आ जाओ, कहीं फेस टू फेस बैठ के बातें करते हैं, मजा आएगा। और अगर तुमने बदमाशी करनी है तो सोच लेना, तुम्हें
सज्जाद मारना पड़ेगा, हमजा अकबर मारना पड़ेगा, मोहम्मद आसिफ मारना पड़ेगा, इमरान शहजाद मारना पड़ेगा, अबू साहिब मारना पड़ेगा। पाकिस्तान के बहुत से प्लेयर को मारने के बाद फिर मुझ तक पहुंच सकोगे, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो मेरे लिए जान दे देंगे, मुझे इन सब पे एतबार है। मैं इमरान शहजाद को कभी फोन नहीं करता, वड्डा प्लेयर है तो कार होएगा, लेकिन आज मैंने कह दिया उसे फोन करके, मैंने उसे कहा इमरान भाई कोई यार मैं आपका नाम लेके गलत बात कर दूं तो पहले से माजरत है। तो हंस रहे थे इमरान भाई, मुझे कहते यार तुमने मुझे कभी 20 साल में इमरान कह के नहीं बुलाया, हमेशा इमरान भाई कह के बुलाते हो, और इस बात में कोई शक नहीं है, मैं हमेशा इमरान भाई कह के ही बुलाता हूँ। उसकी वजह है सीनियर। जब मैं पाकिस्तान में आया था, मोहम्मद यूसुफ ऑलरेडी बहुत सीनियर था, साले मोहम्मद वो भी सीनियर था, खुर्रम आगा सीनियर था, इमरान शहजाद सीनियर था, अबू साइम सीनियर था। पंजाब से ये दो प्लेयर हैं, इमरान शहजाद और अबू साइम, जिनके बारे में मैं खुद कहता हूँ कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं इनको किसी बात का जवाब दूँ। और अगर तुम साले को बीच में लेके आओगे तो मैं तुम्हें कहता हूँ, अगर बाप के बेटे हो तो साले को स्वर्ग पर ले आओ, एक मैच रख लेते हैं, 10 लाख की हार जीत, पता चल जाएगा तेरा एशियन की करता है। खुदा की कसम कह रहा हूँ, 10 लाख की हार जीत तुम साले को लेके स्वर्गत आ जाओ, एक प्लेयर मेरा होगा, एक प्लेयर तेरा साले मोहम्मद, और मुझे पता चलेगा कि तू अपने अबू की औलाद है कि नहीं है। ड्रामे ना किया करो मेरे साथ, मैं बड़ा मीडल बंदा हूँ, मैं प्यार करने वाला बंदा हूँ, प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा, पंगा लोगे तो मैं फिर ये भी बता दूं कि शरारती कार्ड में तुम्हारी वर्दी तो गलत दिखी हुई है। यार कामी मैं तुझे यहीं पे छोड़ता हूँ, तू दफा हो, कुत्ता सा तो इंसान है। मैं तुम्हें इतना समझा दूं कि ये जो मेरा ऐश्रे है ना, तेरे खाने के बर्तनों से अच्छा है, इस बात को तू जहन में रखना, ये मेरा ऐश्रे है जिसे मैं यूज करता हूँ। ऐश्रे दिखा दूं यार सबको, जरा क्लियरली नजर आ जाएगा। इसके ऊपर लेवल भी उस टूर्नामेंट का जो मैं जीता था कतर में, तो ये मेरा ऐश्रे है। खुद सोच लो कि मैं किस जहनीत का बंदा हूं। मेरे पास मेहमान ज्यादा आ जाए तो 3-4-5 ट्रॉफियां ऐश्रे बन जाते हैं, और शीशे का ऐश्रे हो तो मैं बातें करते तोड़ देता हूँ। मेरी बेगम मुझे कहती है मैंने तुम्हारे लिए ऐश्रे नया खरीदा ही, तू अपनी ट्रॉफी रख क्या कहा, तू इसी काबल है। मैं क्या, चलो ठीक है जी, जे ट्रॉफियां साढ़े ऐश्रे का काम तो कर दिया ने। यार एक बिलाल खान है, उन्होंने मुझे कमेंट किया डॉन इन एक्शन। और यार बिलाल तू खुद बिलाल है, तुझे पता होना चाहिए कि बिलाल मीटर होते हैं, तू भी पागल ही होगा कोई, सीधा हिसाब लाता है कि डॉन इन एक्शन। तो बिलाल खान साहब बड़ी मेहरबानी यार, आप जहां पर भी रहे खुश रहे आप। यार एक नाम है, बड़ी कोशिश की पढ़ने की, कोई मोतासिम जिसने कहा था कि 20 साल में आप कोई प्लेयर पैदा नहीं कर सके। ओ यार मैं जनानी है, मैं प्लेयर पैदा कर रहा, प्लेयर मेरा काम नहीं है पैदा करना, जिनके आप बच्चा है माँ बाप उन्हें प्लेयर पैदा करना होता है। मैंने ये नहीं कि मैं बच्चे नहीं पैदा करता, दो बेटे मेरे भी हैं, लेकिन मैंने दोनों को स्नूकर प्लेयर नहीं बनाया, क्योंकि मुझे स्नूकर में धक्के बहुत मिले थे, और स्नूकर हिरवन की तरह लगती है, नशा ही है। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरा बेटा स्नूकर में जाए, अलबत्ता दोनों स्नूकर खेलते हैं, मैंने दोनों को जोन पैरिस लेके दी है, लेवल बहुत अच्छा रखे उनका भी, लेकिन उनको शौक नहीं है मेरे वाला जो मुझे शौक था। मैं तो रात को सोने से पहले स्नूकर की ब्रेक ही सोचता था। तो मोहतासिम भाई आप कहते हैं कि 20 साल में कोई प्लेयर नहीं पैदा किया, यार आप किसी को कह के पैदा करवा लो, आपको क्या मसला है, क्या आपकी तरफ कोई परहेजगार काम चल रहा है, आप किसी से कहो कि प्लेयर पैदा कर दे तो रही बात उसको प्लेयर बनाने की, प्लेयर उसे मैं बना दूंगा। लेकिन ये जो आपका कमेंट था वो मेरी समझ से बाहर है, क्या आप मुझे कह रहे हो कि 20 साल में कोई प्लेयर पैदा नहीं किया। ओ मामा मेरी गल मैं खरगोश नहीं हूँ कि मैं प्लेयर पैदा करा, अजीब से बंदे तो यार दिमाग ही नहीं है। एक कमेंट था आर्ट स्पोर्ट्स वीडियोस की तरफ से, राणा इरफान के साथ मैं कोई वीडियो बनाऊं। यार आपका कमेंट पढ़ने के बाद मैंने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज किया कि किसी के पास राणा इरफान का नंबर है तो मुझे सेंड कर दे, उसके दुश्मन ने सेंड कर दिया अजमल मुगल ने।
राणा इरफान को मैंने अभी नहीं बताया कि अजमल मुगल ने मेरी दोस्ती हो गई है। खैर अजमल मुगल ने मुझे राणा इरफान का नंबर सेंड कर दिया। मैं कह जी अजमल मुगल तू मेरा सच्चा यार है। उसके बाद मैंने फिर कॉल की राणा इरफान को, वेला तो यार दिल नहीं लगता। राणा इरफान को मैंने कहा अरे राणा इरफान, कहता जी। मैंने कहा यार तूने मुझे पहचाना? मुझे पता उसने नहीं पहचाना। मुझे कह रहे नहीं जी मैंने आपको नहीं पहचाना। मैंने कहा राणा इरफान अगर मैंने तुझे बताया ना मैं कौन हूँ, अगर तू अपनी सीट पे बैठा हुआ है ना तो तू खड़ा हो जाएगा। तो मुझे कहता अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं बैठ जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, अगर खड़ा तो चलने लग जाएगा, बैठ नहीं सकेगा तू। मैंने कहा मैं सरगोधा से बिलाल मुगल बात कर रहा हूँ और कसम से जिस तरह उसने सर 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 कहा उतने जिंदगी में इतनी दफा सर नहीं कहा होगा। बहुत ज्यादा खुश हुआ कि बिलाल मुगल की कॉल हुई है। फिर मैंने उसे पंजाब चैंपियन बनने पर मुबारक दी और मैंने फिर उसे कहा, मैंने कहा राणा यार कभी इत्तफाक नहीं हुआ मुलाकात का, तू मुल्तान में होता तो मैं 26 को मुल्तान आ रहा हूँ। मुझे कहता हाँ वो ओपनिंग पे। मैंने कहा, कहता मैं भी जा रहा हूँ ओपनिंग पे। तो मैंने कहा 26 को इंशाल्लाह मेरी और तेरी मुलाकात होती है। मुझे कहता है बिलाल भाई मेरी बहुत ख्वाहिश थी आपके साथ मुलाकात करने की। मैंने कहा देख मेरी बात सुन, अगर तो तेरा रंग सज्जाद या आसिफ की तरह तू रहने दे पाई तू मैनू ना ही मिल, मैं तंग आ चुका हूँ इन दोनों बंदों को 20 साल देख देख के। अगर तू कोई गोरा चिट्टा खूबसूरत लड़का है तो मुझे मिल ले। सज्जाद आसिफ सॉरी यार दिल की बात बता दी मैंने। उसने कहा जी व्हाट्सएप पे मेरी तस्वीर लगी है देख लो। मैंने व्हाट्सएप की तस्वीर देखी, माशाल्लाह राणा इरफान यार तू बहुत खूबसूरत है, अल्लाह तुझे मेरी नजर से बचाए और अल्लाह तुझे कामयाब करे। और एक पंजाब नहीं, हमने अभी नेशनल जीती है, तू एशियन जीते है, तू वर्ल्ड जीते। राणा वैसे मेरे दोस्त हैं, आजकल राणा मेरा दोस्त नाराज है, तो मेरी तो तेरे लिए दुआ है राणा कि तू खुशी रहे। उसके बाद मेरी बात हुई हुनैन के साथ कामी के कमेंट को लेके, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा था और मैं कामी को ढूंढ रहा था कि मुझे मिले। तो साका बाट ने गुस्सा चढ़ाता कि घर पहुंच जाने आते। मैंने हुनैन को कॉल की, मैंने कहा यार हुनैन इस बंदे ने एक ने कमेंट किया मेरे जो गुस्सा आता। उसने कहा बिलाल भाई आप ऐसे लोगों के कमेंट पे ध्यान ना दिया करें, इनको आपकी क्लास का नहीं पता। खैर अलबत्ता मेरी और उसकी बात हो रही थी, वो मुझे अपना भी कुछ प्रॉब्लम बता रहा था। मैंने फिर आज उसे कहा यार मुझे तू ये बता कि तूने गेम किसे सीखी है। कहता है अपने अब्बू से। मैंने कहा यार हुनैन तेरी जो गेम की टेक्निक है ना वो तुझे खुद नहीं पता कि उसमें क्लास क्या है। हुनैन मेरी वाली क्लास में खेलता है। हुनैन की तकरीबन 80% शॉट ड्रैग में होती है। उसने क्यू बार फॉलो करना है, स्क्रू बटन ड्रैग में करना है। और मैं भी इसी तरह था और वो माना है। फिर वो बताया, उसने मुझे बताया जी बिलाल भाई मैं ड्रैग पे ज्यादा गेम खेलता हूँ। और वैसे मुझे सियालकोट में हुनैन अपना अजमल मुगल एहसन जावेद उधर मेरा भांजा है छमा शम्स नाम है वो भी बड़ा प्यार करता है मुझसे। तो सियालकोट के साथ मेरी यार बहुत ज्यादा दोस्ती है। असल में ना मैंने भी सियासी मैं सीधा अबू साहिब पे कब्जा किया पहले। अबू साहिब पे कब्जा कर लो पूरे सियालकोट के पास कब्जा हो जाएगा, क्योंकि सियालकोट की अगर कोई क्लास है तो वो क्लास अबू साहिब है। अबू साहिब सियालकोट में बहुत बड़ा प्लेयर है। देखिए मेरी बात सुने, नेशनल जीतना एशियन जीतना या वर्ल्ड जीतना प्लेयर के लिए जरूरी नहीं है। गेम की सेंस होना सबसे जरूरी बात है, गेम की सेंस हो। अबू साइम के अंदर गेम की सेंस बहुत है, इमरान शहजाद के अंदर गेम की सेंस बहुत है। तो यही बता है, यही वजह कि मैं लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं कि इनके अंदर गेम की सेंस बहुत है। आबिद मुश्ताक ने गुजरांवाला से मुझे कमेंट किया कि हमारे तैयब उर्दुगान है आप। और यार आबिद तैयब उर्दुगान बहुत शरीफ और नमाजी परहेजी आदमी है, जंग करने वाला बंदा नहीं। मैं तो जंग करने वाला, मैं तो तलवार तैयार कर रहा हूँ आजकल अपनी। तुझे भी अपने साथ रखूँ, तू डॉक्टर इमरान का स्टूडेंट है। मुझे तेरे कमेंट से पता चल जाता है कि तू डॉक्टर इमरान का स्टूडेंट है। और डॉक्टर इमरान का स्टूडेंट तो फिर मेरी फौज का सिपे सलार ही होगा, लड़ाई के लिए तैयार रह तू। उसके बाद मुझे अबू जर ने कमेंट किया है कि बिग फैन ऑफ यू। तो यार अबू जर तो आपकी बड़ी मेहरबानी, और आपका एक कमेंट था कि आप सियालकोट कब आ रहे हैं। अब उधर सियालकोट तो मैं किसी दिन पहुंच जाऊंगा। आप हुनैन और एहसन के साथ रास्ते में रहना।
जब मैंने आना होगा हुनैन या ऐसा ना आपको बता देंगे इब्राहिम साहब स्वर्गो आ रहे हैं। 26 को तो मैं मुल्तान जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे वहाँ पर, 27 को वापस आऊँगा वहाँ से या 28 को, तो उसके बाद 30 या 1-2 को प्लान कर लेता हूँ सियालकोट का। यार सियालकोट में मेरे अपने घर हैं, सियालकोट में मेरे 20 से ज़्यादा घर हैं, मेरा पूरा ननिहाल सियालकोट में है और हर घर में मेरा एक कमरा है। और मैं बदमाशी है मेरी सियालकोट में, जिस टाइम मर्जी जाऊं मुझे रहने की जगह सब कुछ खाना पीना सब कुछ मिलता है। और बड़ी बात है सियालकोट में मेरी माँ रहती है, जो मैं 6वीं की बात कर रहा हूँ, उसकी वालदा मेरी बाजी नहीं है, वो मेरी माँ है। इस तरह के जब मैं पैदा हुआ था तो वो उस वक्त कोई 12-14 साल की थी, तो मेरी अम्मी बीमार हो गई थी, तो उन्होंने आके मुझे कोई कुछ दिनों पाला था। तो वो खुदा की कुदरत ऐसी है कि वो जो ममता वाला प्यार होता है ना, मुझे वो 6 महीने की वालदा से हमेशा मिलता है कि ममता वाला प्यार। मैं आज भी जाता हूँ, मैं गले मिलता हूँ, मैं उनका मुंह चूमता हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है उनके साथ, और उनको भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है। और बड़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त फैमिली है उनके दादे से ज़माने से, जाओ मजाक नहीं रुकता, मजाक और झुकते चलती रहती है। तो अबू जर मैं आके यार इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा। इसके बाद एक कमेंट आया था कलीम का गुजरात से, यार कलीम जमाना हो गया तुझे मिला नहीं मैं। तूने कमेंट में जिक्र किया कि सज्जाद ने जब 147 की थी कामिंग के साथ, तो वो तूने 147 देखी थी, वो सज्जाद की पहली 147 थी। मैं तुम्हें बता दूं, उस वक्त मैं क्लब में मौजूद था लेकिन स्नूकर हॉल में नहीं, मैं पीछे बैठा हुआ था क्लब की बैक साइड पे। लाहौर से कोई मुझे मिलने आया तो मैं उसे लेके, लड़का था तो मैं उसे लेके ना पीछे बैठ गया, मेरे पास पीछे एक हॉल था, मैं और वो हॉल में बैठे गप्पे लगा रहे हैं, और सज्जाद शेख कामी के साथ क्लब में खेल रहा था गेम, मैं और वो मेरा मेहमान दोनों बातें कर रहे थे। इतनी देर में ना क्लब के अंदर से तालियों की आवाज आई, क्लैपिंग बहुत ज्यादा, तो जो मेरा मेहमान था वो मुझे कहता है बिलाल भाई मुझे लगता है सज्जाद ने सेंचुरी की है। मैंने कहा नहीं, सज्जाद ने सेंचुरी नहीं की, सज्जाद ने 147 की है। और ये मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ कि मैंने देखी नहीं थी, मैंने सिर्फ क्लैपिंग सुन के कहा था कि सज्जाद ने 147 की है। तो जो मेरा मेहमान था वो बैठा था मेरे साथ, 5 मिनट में सज्जाद पीछे आ गया मेरे पास। सज्जाद मेरे पास आया, बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, उसके हाथ भी काँप रहे थे उस वक्त, टांगे भी काँप रही थी, आवाज़ में भी कपकावट थी, और आके मुझे कहता है भाईजान मैंने 147 कर दी है। प्यार सज्जाद उस वक्त 147 के मिशन में थे। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये मैंने बचने के लिए सज्जाद को 147 पे लगाया था। तो सज्जाद ने आके मुझे कहा भाईजान मैंने 147 कर दिया। जो मेरा मेहमान था मुझे कहते बिलाल भाई आपको क्लैपिंग से कैसे पता चला कि 147 हुई है। मैंने कहा इसलिए कि मेरे क्लब में सेंचुरी पे क्लैपिंग नहीं होती कभी भी, और यह हकीकत है, पूरे वर्ल्ड में सेंचुरी पे क्लैपिंग होती है, मेरे क्लब में सेंचुरी पे क्लैपिंग नहीं होती थी। वो टाइम ऐसा था कि सज्जाद की दिन में 4 या 5 सेंचुरियां होती थी, सेंचुरी मजाक था। मैं बता रहा था 147 की तरह मैं सज्जाद को कैसे ले गया। सज्जाद जब मुझे बहुत अच्छा खेलने लग गया, मुझे बहुत मारता था क्योंकि गेम पार्टनर मैं था। ये मैं बता दूं, जो अच्छा गेम वाला प्लेयर तैयार होता है ना, वो अपने गेम पार्टनर का कत्ल करके फिर स्नूकर प्लेयर बनता है। मेरा कत्ल सज्जाद ने किया। खैर सज्जाद गेम में बहुत अच्छा हो गया था, तो मैंने कहा यार तू आज के बाद ना ब्रेक में ब्लू बॉल या पिंक बॉल नहीं खेलेगा, तू अगर ब्रेक करेगा सिर्फ ब्लैक बॉल, इस शर्ट में मैं तेरे साथ खेलूंगा। उसने कहा ठीक है। ओ यार यकीन करो वो वक्त मेरी जिंदगी का अजाब था, मैं फ्रेम ब्रेक करता था 12 ब्लैक का 13 ब्लैक का। मेरे साथ कभी 147 नहीं की सज्जाद ने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जिंदगी में कभी किसी ने 147 नहीं की। लेकिन सज्जाद ने 11 ब्लैक 12 ब्लैक 13 ब्लैक 14 ब्लैक मजाक बना दिया था मेरे साथ।
बल्कि एक दफा तो मेरे साथ मेरे ख्याल से येलो भी मिस किया उसने 15 ब्लैक करके। खैर मेरे साथ तो नहीं, हमारे एक मेहमान के साथ सज्जाद ने 1 for 7 कर दी, और इस वक्त सज्जाद की 17 1 for 7 है, और पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 1 for 7 इमरान के साथ की है 27। और रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए बनता है, लेकिन इमरान भाई का ये रिकॉर्ड तोड़ना 27 1 for 7, शायद आसिफ या सज्जाद इस लेवल के प्लेयर हैं कि इमरान भाई के रिकॉर्ड को टच कर जाएं। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तानी प्लेयर इमरान भाई के रिकॉर्ड को टच भी कर सकता है। तो मकसद था जो वीडियो का, वो मैं फिर घूम जाऊंगा यार, याददाश्त मेरी खराब है। तो कामी भाई यार, मैंने आपसे कहा हुआ है अगर आप अपने बाप के बेटे हो, इस बात को समझना और तवज्जो देना कि अगर अपने बाप के बेटे हो तो साले मोहम्मद की कोचिंग का कोई एक सर्टिफिकेट दिखा दो, और अगर साले मोहम्मद की कोचिंग का सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते तो फिर कमेंट्स में भोंकना बंद कर दो। तुमसे ज्यादा नस्ली मेरा कुत्ता है, सैन बर्नार्ड है। मैं अपना कुत्ता दिखाऊं तो वैसे ही मर जाएगा। तुझसे ज्यादा नस्ली, तुझसे ज्यादा खूबसूरत, तुझसे ज्यादा अकलमंद है। मैं ये दरवाजा पूरा खोल दूं, यहाँ पे गोश्त रख दूं, मेरा कुत्ता आगे कभी मुंह नहीं मारेगा, दरवाजे के बाहर ही बैठा रहेगा। वो तेरी तरह नहीं है कि कमेंट करके आगे बदमाशी करेगा। कमेंट करो, बदमाशी भी करो, लेकिन अगर देखो जो काम करते हो वो काम पूरा करो। तुमने कहा कि बिलाल साहब जाने दो, साले मोहम्मद एशिया का सबसे अच्छा प्लेयर, सबसे अच्छा कोच है, मैं मानता हूं, लेकिन अब प्रूफ देना तो तेरा काम है ना कि साले मोहम्मद कोच है। सर्टिफिकेट तो देगा, दिखाएगा कोई सर्टिफिकेट? मैं तुझे एक बात बता दूं कमी, साले मोहम्मद कभी भी कोच नहीं बन सकता। कोच बनने के लिए बहुत से पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है जो साले मोहम्मद को नहीं पता। उसने जब मुझसे सुने थे ना, वो अभी क्या है, तब उसने कहा था कि ये वो पॉइंट्स है जो सारी जिंदगी मैं नहीं समझ सकता। यार नींद आई है, सुबह से जाग रहा हूं। तो बात हो रही थी कि साले की और कामी भाई की। तो यार कामी, दिमाग ना खराब करा कर मेरा, खुदा की कसम, मुझे मेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए मैंने कितने बंदों का दिमाग खाया तो सोच ही सकता। सियालकोट में हुनैन का, एसएम जुवेद का, अजमल मुगल का, राणा इरफान का मुल्तान में, फिर चला जाए फैसलाबाद, शाहिद आफ्ताब, मोहम्मद आसिफ, साकब भट्ट, लाहौर में इमरान शहजाद। मैंने अबू जाहिम को कॉल पता नहीं की थी या नहीं, फरहान नूर, मैंने हर बंदे को कॉल करके आधा आधा घंटा सबकी मत मारी है। और मेरी बेगम मुझे कह रही थी कि जब आपको पता है कि ये लोग आपसे बात नहीं करना चाह रहे तो आप क्यों इतनी इतनी देर बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये तुम सोचती हो, जिसे मैं कॉल करता हूँ मैं उसके साथ 1 घंटा भी बात करूँ तो वो मेरे साथ 1 घंटा भी बात करेगा, क्योंकि ये सब लोग मुझसे प्यार करते हैं। तो एक काम ही भाई, गलत पंगा ले लिया, तेरा कमेंट हो गया। अब मेरी बात है कि तू अगर अपने बाप का बेटा है तो साले मोहम्मद की कोचिंग का कोई सेट मैं रख के बैठा हूँ अपने साथ, ये मैं सर्टिफिकेट दिखा दूंगा कोचिंग के। लेकिन तू अपने बाप का बेटा है तो साले मोहम्मद की कोचिंग का सर्टिफिकेट दिखाना। और बात रही तेरी के ब्रार साहब जाने दो, साले एशिया में सबसे अच्छा कोच, सबसे अच्छा प्लेयर, तो मैं तुझे बताऊं, मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने साले मोहम्मद को पाकिस्तान से भगाया है। साले मोहम्मद पाकिस्तान से जाने वाला नहीं था, 2008 में साले मोहम्मद को पता चल गया था कि अब उसका पाकिस्तान में कोई चक्कर नहीं है। सज्जाद को उसने देख लिया था तो वो पाकिस्तान से भाग गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने यशी कहा काम ही, मैं कहूँ तो भी अफगानिस्तान चला जा, जाके चले बेच वहां पर। याद हम लोगों के दिमाग चाटने के लिए क्या बैठा हुआ है ड्रामेबाज, वो बहुत ही कोई घटिया आदमी है। तो कसम से मेरे बैठे बैठे तूने ब्लड प्रेशर हाई कर दिया, मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। काम ही, वो पहले तो मुझसे काम ही नहीं, मैं के की जगह एच पढ़े जा रहा था, और बाद में मैंने कहा नहीं यार स्टार्टिंग में एच नहीं है, के लिखा होगा। तो काम ही, तू इंसान का बच्चा बन जा, खुदा की कसम तुझे पता नहीं है मैं बिलाल मुगल हूँ,
मैं गुस्से पे आ गया, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। और मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ, मुशर्रफ हूँ मैं, परवेज मुशर्रफ, कि मैं डरता वरता किसी से नहीं। तू लाहौर का हुआ, सियालकोट का हुआ, खुदा की कसम खा कर मैं वहां पर आके भी बात करने के लिए तैयार हूँ। और अगर लड़ाई हुई तो मैं तुझे मारूंगा भी, बोलते खुद नहीं मारूंगा, मेरे स्टूडेंट मारेंगे तुझे। मैं ले आऊंगा अपने साथ 8-10 स्टूडेंट, और तेरे जैसा बनना। मैंने तुझे कहा ना, तेरे मुंह से मेरा ऐश्वर्य खूबसूरत है, तू चीज क्या है? वो मेरी चाय पड़ी हुई यार, बड़ी देर से मैंने चाय नहीं चखी। यार आज स्पोर्ट साहब, आपने मुझे राणा इरफान के लिए कहा है, तो मैं 26 को जा रहा हूँ राणा इरफान को मिलने। ओपनिंग है, अकेले राणा इरफान को तो नहीं, लेकिन मैंने जाहिर है पेमेंट लिया, तो मैं ओपनिंग पे एक लेक्चर जरूर दूंगा। लेकिन ये मेरा दावा है कि उस लेक्चर का राणा इरफान को बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ, लोग उस बात को समझते नहीं है। मुझसे जब कोई कोचिंग लेने वाला आता है तो मैं उसे कहता हूँ, यार तुम अगर सेंचुरी ब्रेकर हो तो तब मुझसे कोचिंग लो। मेरी ये बात सुन के कुछ लोग कहते हैं कि भाईजान अगर हम सेंचुरी ब्रेकर होंगे तो हम आपसे कोचिंग लेने ही क्यों आएंगे। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ, बेटा मेरी जरूरत ही तब पड़ती है जब आप सेंचुरी ब्रेकर होते हो। मैं सेंचुरी ब्रेकर को 147 बनाता हूँ, मेरी आदत है। मुझे 125 130 की सेंचुरी पसंद ही नहीं। मेरी गेम में 15 पिंगे कर लो, 15 ब्लू कर लो, 15 ब्लैक कर लो, मैं कहता हूँ क्या बात है, क्लास है यार। और एक टाइम पे होता था कि बस ब्लू बॉल खेलना है, बाकी और कोई कलर नहीं खेलना, कि गेम चलती थी लड़की हुई, वो मैंने खेली हुई है। और यकीन कर, जिस तरह मैं 10-10 ब्लू 12-12 ब्लू कर जाता था ना, वो उस टाइम अलग क्लास की बात थी। अब तो मैं येलो बॉल से ब्लैक तक नहीं जा सकता चल के। सजात को मैं कहता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया और मैं येलो तो ब्लैक तक नहीं जा सकता, शुक्र कर, नहीं तो मैंने तुझे छोड़, धमकियां मैं देता हूँ अभी भी। लेकिन काम ही वो तेरी तरह नहीं अकलमंद है, उसे पता है कि मेरी धमकी पे मुस्कुराना बनता है, मेरी धमकी पे आगे से धमकी देना नहीं बनता। अगर सजात चाहे मुझे आगे से धमकी दे सकता है, लेकिन वो मेरा बच्चा है, उसे पता है कि बिलाल मुगल ने धमकी दिया तो मुस्कुरा के दिखाना है। धमकियां मैं अर्शद को भी देता हूँ, धमकियां मैं आसिफ को भी देता हूँ, साकिब भट्ट को देता हूँ, सजाद को देता हूँ, शाहिद आफ्ताब को देता हूँ, पोमे को देता हूँ फैसलाबाद में, यार इमरान शहजाद को देता हूँ, अबू साइम को देता हूँ गेम में। आज मैंने इमरान शहजाद से कहा, मैंने कहा इमरान शहजाद तुम मुझसे गेम जीते ना मैं टांगे तोड़ दूंगा। मुझे कहते बिलाल भाई आप जब भी खेलोगे मैं नहीं जी सकता आपसे। मैंने कहा मैंने बस इतना ही सुनना था यार, ये एक क्लास होती है कि प्लेयर नु डरा के। मैंने एक बंदे को आज कहा, मैंने कहा यार जिस तरह मैं हालात देख रहा हूं मुझे लग रहा है कि मैं पाकिस्तान का नेशनल चैंपियन बन सकता हूं। सज्जाद से कहूं, आसिफ से कहूं, किसी और नेशनल चैंपियन से कहूं, सारे मुझे कहते हैं भाईजान आप अच्छे प्लेयर हैं। तो अब अगर मेरा इनके साथ मैच हुआ तो ये मैच भी नहीं आएंगे, विनर मैं। तो मैं कह रहा था कि अगर मैं चाहूं तो मैं पाकिस्तान की नेशनल भी जीत सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ किसी ने मैच में आना ही नहीं है। चाहे तुम्हारा मोहम्मद आसिफ हो, राणा सज्जाद, अरशद इकबाल, हमजा अकबर, मेरे मैच में कोई बंदा आएगा ही नहीं, मैच विनर बिलाल मुगल बस। तो मैं इसी चक्र में खुश रहता हूँ। यार मुझे एक बंदे ने कमेंट किया है, गेमर बॉय, उसने मुझे कहा कि मैं मगरूर हूँ। तो गेमर बॉय इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं मगरूर हूँ। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई, मैं तो मगरूर हूँ, तुम कितने फजूल आदमी हो कि सारी दुनिया के चैनल छोड़ के, गाने फिल्में सब कुछ छोड़ के एक मगरूर आदमी को सुनते हो। पागल तो तुम हो यार, मेरा चैनल देखते क्यों हो? ना देखो अगर मैं तुम्हें इतना मगरूर लगता हूँ। और बाकी तुम्हें शायद मेरा पता नहीं है, मैं पाकिस्तान की नेशनल में तुम जितने प्लेयर ले रहे हो, जितने बंदे ले रहे हो, मैं सबसे ज़्यादा मगरूर हूँ। उसकी वजह यह है कि तुम जिनके पीछे भागते हो ना सेल्फी लेने के लिए, वो मैं सब जाके मेरे लिए चाय लेके आते हैं। चाहे तुम्हारा कोई एशियन चैम्पियन है, चाहे तुम्हारा कोई 2-टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है, चाहे तुम्हारा कोई नेशनल चैम्पियन है,
अगर मैं कहूँ ना कि चाय तू ही पकड़ के ला, तो उस बेचारे को खुद जाके चाय पकड़ के लाना बड़ मजबूरी है उसकी। तो ये चीजें तुम बता दो, मेरा मगरूर रहना बनता है कि नहीं, कि जिनके साथ तुम तस्वीरें खिंचवाने के लिए भागते हो। मैं चाहूँ तुम आसिफ से, फैजाबाद से, आसिफ से कहो ना कि फैजाबाद से थर्मस में चाय ले गया, तो आसिफ फैजाबाद से थर्मस में चाय लेके आएगा, उसकी मजबूरी बन जाएगी कि बिलाल मुगल ने कहा है। और तुम मुझे कह रहे कि मैं मगरूर हूं, तो यार तू मेरा चैनल ना देख, एडा तू गेमर बॉय, तू गेमर बॉय है ना, मैं तेरी गेम बजा दूंगा गेमर बॉय, तू मेरे साथ आ जा किसी गेम में, तू दुनिया की कोई गेम देख के आ जा के इसमें मैच रखना है, उसमें मैच रख लेते हैं, मैं भी देखा तू किडा गेमर बॉय है। गेमर बॉय तुम्हें पता नहीं है कि कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं। तूने अगर 1,000 बंदा तेरे लिए आके खड़ा हो ना तेरी गेम देखने के लिए, तेरी टांगे कांपेंगी, बंदा देखेगा ये सब मेरी गेम देखने आए हैं। नाम रखने से तू गेमर बॉय नहीं बन सकता, हमें कॉन्फिडेंस दिखाएगा तो गेमर बॉय बनेगा। बाकी परहेज किया करो फजूल में कमेंट करने से, तुम्हारा जिस चीज से ताल्लुक नहीं है उस चीज पे कमेंट करते ही क्यों हो। तुम कोई किशोर रफी के गाने सुनो, कोई शाहरुख की फिल्में देखो, कोई अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखो। यार मुझे तो मेरी फैमिली नहीं देखती, तुम मुझे क्यों देखते हो? सबसे बड़े बेवकूफ इंसान तो तुम हो कि तुम्हें एक बंदा पसंद नहीं, मगरूर है, और फिर तुम वीडियो भी इसी की देखते हो। ये बात मेरी समझ से बाहर है। थोड़ी सी अगर इस्तेमाल करो तो कोई गाने शाने देखा करो, या कोचिंग के और चैनल है किसी और चैनल से कोचिंग ले लो, जिनमें गुरूर नहीं है। बहुत से कोच मिल जाएंगे उन्हें गुरूर नहीं है, लेकिन गुरूर रिजल्ट से आता है। मैं इतने रिजल्ट्स दे चुका हूं कि मेरा गुरूर टिकने का नाम नहीं लेता। तुम मेरी कामी भाई से साले के मुतलक बात हुई है, तुमने अभी तो मेरे दुबई का नहीं सुना। मैं 2 साल दुबई में रहा हूं, और दुबई ने 2 साल में 21 गोल्ड मेडल जीते हैं, गल्फ कप, अरब कप, वेस्ट एशिया, एक 6 ट्रैक पे एशियन गोल्ड मेडल, वो सबसे पहला था। तो 2 साल में 21 गोल्ड मेडल बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, वो कोई कोच नहीं दे सका दुबई को जो मैंने दिया। तो फिर अपने काम पे तो इंसान को गुरूर होता ही होता है, और मुझे अपने काम पे बहुत ज्यादा गुरूर है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मेरा काम है कैसा चीज है। 2 साल में दुबई में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, उनका कोई जनरल सेक्रेटरी, किसी के अंदर जरूरत नहीं थी कि मेरा काम लेके या मेरे काम के रिजल्ट को लेके मेरे साथ बात करे। उल्टा ये होता था कि जब भी मैं कभी ऑफिस जाता था, अगर कोई उनका मेहमान होता था, उसे बताते थे ना ये हमारा कोच है, तो उनका मेहमान मुझे मिलके कहता था, यार जब से तुम आए हो मैं, हम लोग दुबई के रिजल्ट्स देख रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाती थी। तब भी यार गुरूर करना तो बनता है ना, मैं कोई मुर्गी करने तो नहीं बेच रहा कि मिस्कीन बन के बैठ जाऊं। मैं एशियन चैंपियन बना रहा हूँ, मैं नेशनल चैंपियन बना रहा हूँ, और मैं गुरूर ना करूँ, यह तेरी अजीब ही बात है। मैं तुझे यही मशवरा दूंगा गेमर बॉय, आराम से बेटा किसी और का चैनल देखा करो, मैं बिल्कुल फजूल आदमी हूँ, मेरा चैनल देखने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम गेमर हो, पता नहीं किस गेम के गेम अपनी करते रहो, जो भी गेमर हो तुम, मेरे साथ पंगा लेने की जरूरत क्या है। तो चलें जी, आज मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।